नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है एग्रीकल्चर मैथ से ही है, जो मैं आपको बताऊंगा बहुलक। बहुलक भी हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए और CGPAT के लिए, कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी प्रश्न है। तो मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जो बहुलक है उसका परिभाषा क्या है। तो याद रखिएगा, किसी समंक श्रेणी जो सर्वाधिक बार आती है, यानी कि ऐसा श्रेणी जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो आपको सबसे ज्यादा बार दिखाई देता है, उसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं कि उस श्रेणी क्या उस पद को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। कहने का सेंस यह है कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आती है, यानी कि ऐसा पद जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक। मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। आपके सामने मैं दो क्वेश्चन लेकर के रखा हूं। ये जो क्वेश्चन है, आप इस पद में खोजिए कि जो संख्या सर्वाधिक बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है, वही संख्या आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। आप खोजिए, इसमें आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से लेकर आपको 52 तक की संख्या, 54 तक की संख्या दिखाई दे रही। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा, आप खोजिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आया है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार जो भी संख्या आया होगा, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पद का बहुलक कहेंगे। तो आप खोज सकते हैं, इसमें 30, यहां पर भी 30, यहां पर भी आपको 30, यहां पर भी 30 है। तो लिखिएगा कि इस पद में सर्वाधिक बार, इस पद में सर्वाधिक बार 30 आया है, सर्वाधिक बार 30 आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार अगर 30 आया है, तो इस पद का जो बहुलक है, इस पद का जो बहुलक है, जिसको हम M0 से दर्शाते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देख करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक। कि अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको कोई भी आंकड़ा दे दिया, तो जो आंकड़ा सर्वाधिक बार आएगा, वह उस पद का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा। यहां पर दूसरा पद भी आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या दिया है, इसमें सबसे ज्यादा बार 8 आया है, 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे ज्यादा बार अगर 8 आया, तो बहुलक M0 बराबर आपका हो जाएगा 8, ए हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। मान के चलिए कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप से डब्बा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप से सारणी में आपको क्वेश्चन मिल रहा है। एक साइड में आपका लिखा रहेगा वर्ग, एक साइड में आपका लिखा रहेगा आवृत्ति, जिसको हम बारंबारता के नाम से भी जानते हैं। ऊपर में दिखेगा 1, उसके बाद दिखेगा 2, उसके बाद दिखेगा 3, फिर 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। आगे बढ़िएगा, यहां लिखेगा 5, इसके बाद 6, यहां पर 8, यहां पर 10, यहां पर 2, यहां पर 5। अब बोलेगा इस सारणी का आप बहुलक ज्ञात करके बताइए। तो आप देखिएगा, इस सारणी में जो सबसे ज्यादा बार जिसकी आवृत्ति होगी, उसके ठीक सामने वाला जो पद है, वो क्या हो जाएगा, बहुलक। खोजिए इसमें सबसे बड़ा क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है 10, यानी कि एफ का मान आपको कितना दिखाई दिया, फ्रीक्वेंसी कितना दिखाई दिया, 10। उसके ठीक ऊपर वाला शब्द यहां पर आपको कितना दिखाई दिया, 4। तो इस सारणी का जो सबसे ज्यादा बार आया है, वो पद कौन सा आया है, 4। कितना बार आया है, 10 बार आया है, यानी कि 4 10 बार आया, 5 2 बार आया, 6 5 बार आया, 3 8 बार आया। तो सर्वाधिक बार कौन आया आपका, 4। कितने बार आया, 10 बार। तो इस सारणी का बहुलक कौन हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा, यह एक ट्रिक है जो आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही एक मैं बड़ा वाला प्रश्न बता रहा हूं आपको, जो आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं और 12वीं के बोर्ड में जरूर पूछता है, 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में दे करके जाने वाला प्रश्न है। तो आपको मैं इसको विस्तार से एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इस सारणी को जिस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, उस फॉर्मूला को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपको पता चल गया है कि बहुलक को हम इसमें, बहुलक जो है जिसको हम बना रहे हैं, इसमें हम बहुलक को M0 से दर्शा रहे हैं। तो M0 बराबर होता क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बट्टा, यहां पर हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित
L2 - L1, ये फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि L1 L2 आपका वर्गांतर से मिलेगा। F मतलब होता है बारंबारता, जिसको हम फ्रीक्वेंसी से दर्शाते हैं। F0 और F2 मैं अभी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से देखिएगा, आप खोजिए कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है। तो नीचे में सबसे बड़ा जो संख्या है वो कौन है आपका, 10। तो 10 के ऊपर ठीक ऊपर में आपको क्या मिलेगा, L1 और L2। जैसा कि मैं इसमें बताया था कि 10 के ऊपर का जो संख्या था वो आपका क्या हो जा रहा था, बहुलक। लेकिन यहां पर आपको दो संख्या दिखाई दे रहा है, एक आपका क्या दिखा रहा है, 4560, यानी कि 15-15 अंक का अंतराल है। तो इस 4560 का मतलब यह है कि 4560 के बीच में आपका बहुलक छुका हुआ है। तो एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो F1 का वैल्यू हो जाएगा 10, उसके ठीक एक कदम पीछे आएंगे तो आपको मिलेगा F0, और ठीक एक कदम आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, F2। पीछे आओगे तो 0 और आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि F1 जो सर्वाधिक बार आया है, उसके ठीक ऊपर वाला जो पद है आपका L1 और L2 के बीच में हमारा क्या छुपा रहेगा आंसर, आप यहां पर लिख लीजिए कि L1 बराबर हो जाएगा 45, L2 बराबर हो जाएगा आपका 60, उसके बाद F1 बराबर हो जाएगा आपका 10, उसके बाद F0 बराबर 5 और F2 बराबर हो जाएगा आपका 7। इसी फॉर्मूला में आप इसको रखिए, उसके बाद आप सिस्टमेटिक तरीके से इसको सॉल्व करिए। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। M0 बराबर L1 का वैल्यू आपका हो जा रहा है 45 प्लस F1 का जो वैल्यू है आपका है 10 माइनस F0 का वैल्यू है आपका 5 बट्टा 2 गुणित, यहां पर कुछ नहीं है यानी गुणा, F1 का मान 10, F0 का मान आपका हो जाएगा 5 और F2 का मान आपका हो जाएगा 7, गुणा L2 का मान हो जाएगा 60 और L1 का मान हो जाएगा आपका 45। आप सबसे पहले इसको घटाइए, M0 बराबर 45 प्लस 10 में से 5 गया आपका बचा 5, 10 गुणित 2 यानी हो गया आपका 20 माइनस 5 और 7 माइनस माइनस प्लस, तो 5-7 हो जाएगा 12, लेकिन बड़ा चिन्ह कौन होता है माइनस, इसलिए यहां पर हो जाएगा माइनस, गुणित 60 में से 45 घटेगा आपका हो जाएगा 15। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 10 गुणित 2 किया तो आया 20, माइनस माइनस प्लस तो 5 और 7 हो गया 12, और माइनस चिन्ह बड़ा होता है इसलिए यहां पर मैं चिन्ह लिया हूं माइनस। आगे बढ़ेंगे, M0 बराबर 45 प्लस 15 गुणित 5 करूंगा तो आएगा आपका 75 भागे 20 में से 12 घटाऊंगा तो आपका आएगा 8। ये ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको क्या करूंगा, भाग करूंगा। कैसे भाग करेंगे कि 75 को भाग करूंगा मैं 8 से, 8 एकम 8, 8 नवा होता है आपका 72, भाग इसको घटोगे तो 3.0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24 आपका यहां पर बच गया 6.0 लगाए हैं 0, 8 अठे 64, 8 सत्ते 56, कितना आएगा आपका 9.37। तो M0 यानी बहुलक का मान 45 प्लस 9.37। आगे बढ़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 9 हो जाएगा आपका 54.37, ये हो जाएगा आपका बहुलक। आपको मैं पहले ही बताया कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार आएगी उसके ठीक ऊपर का पद क्या रहता है, बहुलक। तो किसकी आई थी, 45 और 60 की, तो मैं बोला 45 और 60 के बीच का संख्या ही का होगा बहुलक, तो आपका कितना आया 54.37। तो यही था आपका बहुलक, यानी कि सबसे ज्यादा बार जिसकी आवृत्ति आएगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और आपके दैनिक जीवन के लिए भी। तो ये वीडियो आप जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।